हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल Desistations। Desistations में आज हम आपको सैर करा रहे हैं धौली की। धौली या जो धौलागिरी के नाम से भी जाना जाता है, भुवनेश्वर से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर दया नदी के किनारे पर स्थित है। यह आसपास के लोगों के लिए मुख्य पिकनिक स्पॉट और मुख्य आकर्षण का केंद्र भी है। धौली या धौलागिरी में आप अपनी बाइक या कार से जा सकते हैं, लेकिन यदि आप बस में हैं और लोगों की संख्या ज़्यादा है तो आपको यहाँ से ओडिशा टूरिज्म की ट्रैवलर लेनी होगी। सुरक्षा तथा रास्ते की कठिनाइयों के मद्देनज़र यह व्यवस्था की गई है। बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात अशोक ने अपने पूरे राज्य में अहिंसा का प्रचार प्रसार किया और इसकी शुरुआत धौली से हुई। फलस्वरूप कई स्तूपों और स्तंभों के निर्माण की परिकल्पना की गई। इस स्तूप को शांति स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। सन 1970 में जापानी बुद्ध संघ और कलिंग निपोन बुद्ध संघ द्वारा यह बनाया गया है और इसके शीर्ष पर एक पैगोड़ा अर्थात शिवालय की तरह रचना लगाई गई है। इसे हम पीस पैगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं स्तूप की ओर। इस स्तूप में विशेष शांति का अनुभव किया जा सकता है, साथ ही यहाँ पर शाम को संगीतमय लाइट शो का लुफ्त भी उठाया जा सकता है। यदि आप यहाँ शाम के समय में आते हैं तो लाइट शो देखना बिल्कुल ना भूलें। यह स्तूप भगवान गौतम बुद्ध को समर्पित है। इस स्तूप में गौतम बुद्ध को चार विभिन्न मुद्राओं में दिखाया गया है, तपस्या करते हुए, ज्ञान प्राप्ति के बाद ध्यान करते हुए, शिष्यों को उपदेश देते हुए और उनके महानिर्वाण का समय। स्तूप की प्रत्येक दीवार पर बुद्ध के जीवन से जुड़े विशेष पहलुओं को आप 3D चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। स्तूप की ऊंचाई से भुवनेश्वर का नज़ारा अत्यंत ही सुंदर दिखता है और यहाँ से हम दया नदी को भी देख सकते हैं। कलिंग के युद्ध के बाद दया नदी मृतकों के खून से लाल हो चुकी थी। इस नदी का यह भयावह नज़ारा देखकर महाराजा अशोक को युद्ध से जुड़े आतंक का एहसास हुआ और यह स्थान महाराजा अशोक के मन को परिवर्तित करने में सफल रहा। यहीं से अशोक ने हिंसा का रास्ता छोड़कर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। धौली की पहाड़ी में एक शिव मंदिर भी है जिसका शिवलिंग बहुत ही सुंदर है। कहा जाता है कि पहाड़ी के शिखर पर शिलालेख पाए गए हैं और ये शिलालेखों के ऊपर बना हाथी पुरानी बौद्ध मूर्तियों में से एक है। आई होप कि आपको आज का ये धौलागिरी पर वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल Desistations को सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पर इसी तरह के ट्रैवल डेस्टिनेशन पर वीडियोज बनाते रहते हैं।